अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन से। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ भी है। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बहुत एक्साइटिंग डिश बना रही हूँ। मैं सिजलर बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे बिना सिजलर के भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन सिजलर में क्या, प्लेट गर्म रहती है तो गर्म पे वो रहेगा, तो गर्म गर्म खाएंगे तो मजा आ जाएगा। अच्छा, डिश का नाम क्या है, मैंने अभी तक शायद बताया नहीं है, राइट? डिश का नाम है चिकन नवाबी बोटी। आप इसे मलाई चिकन सिजलर कहिए, चिकन नवाबी बोटी सिजलर कहिए, मलाई चिकन सिजलर कहिए, जो आपने कहना है कहिए। टेस्ट मजेदार होना चाहिए, नाम जो भी हो, है कि नहीं? सो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है आधा किलो 500 ग्राम चिकन बोनलेस। वैसे मैंने इसकी चर्बी निकाल ली है, दो तीन पानी से धो के नितार कर साइड पर रख दिया था 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर। वैसे मैंने बोनलेस है ना थाई पोर्शन के लिए, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन के ले सकते हैं। मैंने मीडियम पीस किया, बड़े पीस कर सकते हैं। इसमें डाल दीजिए नमक एक छोटे चाय का चम्मच या स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भर कर मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी के लिए हरा धनिया, और मैं 3-4 टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नींबू का रस हो तो 3-4 टेबलस्पून वो डालिएगा। 1 अंडा फोड़कर डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भरकर डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून मैदा। ये सारी चीज़ें डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर इसे ढक कर साइड पर आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं या फिर बाहर रख दीजिए, मैरिनेट होने रहने दीजिए। 1 घंटा हो चुका है, तेल कढ़ाई पर रख दीजिए गरम होने। अच्छा गरम हो जाता है तो मीडियम आंच कर दीजिए। वैसे एकदम गरम नहीं करना है कि आप जैसे ही डालें और एकदम लाल हो जाए ना, तो आपने ऐसा गरम करना है कि आप एक ये इस तरीके से टूथपिक डालें तो ऊपर सरफेस पे बबल आना चाहिए। बस ये रेडी है हमारा तेल अभी फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं पहले तो 2-3 डालकर फ्राई कर चेक कर रही हूँ कि प्रॉपर है कि नहीं है, तो पहले 2-3 डालकर इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। आप बार बार इसे चलाते रहें, उलट पलट करते जाएं मीडियम आंच पर। जब 6-7 मिनट हो जाए तब तक चिकन पक भी जाएगी, अंदर से गल भी जाएगी और इसकी जो कवरिंग है वो क्रिस्पी भी हो जाएगी, तो जब और गोल्डन भी होने लगेंगे। जब ये तीनों चीज़ हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। हल्की कवरिंग मुझे पतली लग रही है तो मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर और ज़्यादा डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून मैदा भी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैदा और कॉर्नफ्लावर कम होने की वजह से हल्के से ये कलर इस पर आ गया है, आप देख सकते हैं, बट हमें वाइट रखना है। तो ये तो मैंने एक ट्रायल बेसिस पे बनाया था चेक करने के लिए। चलिए अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ज़्यादा एक साथ डाल देती हूँ और इसी तरीके से 6-7 मिनट तक उलट पलट करते हुए सारों को बैचेस के अंदर फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अभी कलर क्या होगा मालूम है? वाइटिश, हल्के हल्के कहीं कहीं सुनहरी गोल्डन लगेंगे आपको, नहीं तो मोस्टली इसका कलर आपको वाइट लगेगा। आप चाहें तो आपको कोटिंग और थिक चाहिए तो आप मैदा और कॉर्नफ्लावर और ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी तरीके से सारे पैचेस में फ्राई कर लीजिए। चलिए ये सारे फ्राई हो चुके हैं और इसे मैंने साइड पर रख दिया। कलर आप देख सकते हैं इसी तरीके से होना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसमें 1-2 टेबलस्पून ना मक्खन यानी बटर भी डाल दीजिए। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च डालकर इसे इस तरीके से 20-30 सेकंड के लिए फ्राई कर लें फास्ट आंच पर। जब 20-30 सेकंड हो जाए तो इन्हें नितार कर निकाल कर साइड पर रख दें। अच्छा, ये करने का मतलब ये है कि थोड़ी सी हमें क्रंची क्रंची रहेगी एंड में, जब आप खाएंगे हमारी मलाई चिकन सिजलर तो मज़ा आएगा, और थोड़ी सी वाइब्रेंट ग्रीन लगती है ना एंड में डालते, नहीं तो पहले ही डाल देते तो लाइट ग्रीन हो जाती। चलिए अभी यही तेल के अंदर मैं डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे भी आधे मिनट तक फ्राई कीजिए। जब आधा मिनट हो जाए लहसुन को फ्राई करते हुए तो यहाँ पर अब डाल दीजिए 3/4 कप मलाई। मैंने फ्रेश क्रीम ली है बाजार की, आप चाहे तो घर की भी ले सकते हैं। दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो लेके पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा फिर डालिएगा। मैंने चूल्हा पहले ही स्लो कर दिया था, आपने देखा। नमक डाल दीजिए, हल्का ही हाथ रखिएगा नमक का, क्योंकि हम चीज़ वगैरह आगे डालने वाले हैं तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। आपके पास सफ़ेद मिर्चों का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं काली मिर्चों का डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून मायोनीज डाल दीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी डाल दीजिए।
तकरीबन आधा कप डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें हल्का एक उबाल आ जाने दीजिए। हल्का हल्का उबाल आएगा, आप चख लीजिए। मुझे है ना एक टेस्ट कम लग रहा है तो मैं मायोनीज और डाल रही हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैंने ये दो डाली, मिक्स की, फिर से दो डालकर मैं मिक्स कर रही हूँ। ये आप बोलेंगे कि मैं अलग अलग क्यों डाल रही हूँ, वो इसके लिए क्योंकि कभी कभी मायोनीज अलग कंपनी की अलग टेस्ट होता है, तो पहले आप चख लें, और घर का अलग मायोनीज बनता है तो अलग टेस्ट होता है, तो पहले आप चख लें। और मैंने फिर से 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाला है, आप चाहें तो सफेद मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए। मुझे थोड़ी सी हल्की सी थिक ग्रेवी चाहिए तो मैं आधा कप पानी और डाल रही हूँ, और इसे मिक्स कर चलाकर इसे स्लो आंच पर 1 से 2 मिनट पकने दीजिए। 1-2 मिनट हो जाए तो ये जो 1/4 कप भर के चीज खुरच कर इसमें डाल दीजिए। आप चीज अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैं 1 टेबलस्पून मक्खन और डाल रही हूँ, और हल्का सा नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है। ये भी आप हिसाब से ही एडजस्ट कीजिएगा। मक्खन डाल दें तो ये देखिए इतने अच्छे से इसमें उबाल आ जाने दीजिए। अच्छे आप देख सकते हैं, अच्छा 2-3 मिनट के अंदर इस तरीके से उबाल आया है और ग्रेवी अच्छी थिक हो गई है। अब इसमें डाल दीजिए ये जो साइड पर हमने चिकन को फ्राई करके रखा था, शिमला मिर्च भी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कीजिए, 1 से 2 मिनट टॉस कीजिए और चूल्हा बंद कर दीजिए। साइड पर मैंने ये डिश को गरम करने रखा था 2-5 मिनट पहले से। चलिए इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ पर ट्रांसफर कर देती हूँ जो सिजलर की प्लेट है जो मैंने 5 मिनट पहले गरम पे साइड पर रखी थी। अब नीचे बेस पर मैं इस तरीके से कैबेज यानी कि गोभी पत्ता लगा देती हूँ नीचे बेस पर, और फिर इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैंने स्लो कर रख दिया है इस पे। अब इसमें ये सारा जो हमने पकाया हुआ है हमारा मलाई चिकन सारा डाल दीजिए। आप मलाई चिकन बोलें, चिकन नवाबी बोटी बोलें, आपने जो कहना है कहिए, वाइट चिकन कहिए, ये बढ़िया सा डाल दें एपेटाइजर को हमारे इसके ऊपर। और इसे साइड पर मक्खन डाल दें यानी कि बटर, और गर्मा गर्म आपकी जो वुडन प्लेट है सिजलर की उस पर रखें थोड़ी सी कोथमीर, या फिर आप चाहें तो चीज़ भी ऊपर से खुरच कर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया ऊपर से डाला है, और अब मैं इसे डिश के ऊपर रख रही हूँ और गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। ऊपर से मैंने साइड पर ही रख दिया था शिमला मिर्च, तो ये मैं इसके ऊपर डाली हूँ। तो ये रेडी हो गया हमारा गर्मा गर्म चिकन मलाई सिजलर। आप मैंने थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखी है, आप चाहें तो अच्छे से और ड्राई आउट कर सकते हैं। वैसे आपने देखा मैंने टोटल 6-7 टेबलस्पून मायोनीज डाला, काली मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालें, हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालें। रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहाँ चले गए, मेरा सुलेखा किचन कहाँ गया? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा। ये हीरोइन कितने टेक लेती है?